सलमान खान को कुछ समय पहले मिली जान से मारने की धमकी मामले में एक अहम मोड़ सामने आया है। दबंग खान की हत्या की साजिश करने के आरोप में पुलिस ने दो आरोपियों को धर पकड़ा है, जिसमें से एक आरोपी नाबालिग है। इसी नाबालिग शख्स को एक्टर को मारने का टास्क सौंपा गया था। सलमान खान की हत्या की इस शख्स को मिली थी सुपारी। दबंग खान के घर में घुस गया था लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाबालिग। दिल्ली पुलिस के हाथ लगा एक्टर को मारने वाला आरोपी। जी हां, सलमान खान को कुछ समय पहले मिली जान से मारने की धमकी मामले में एक अहम मोड़ आया है। दबंग खान की हत्या की साजिश रचने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने दो आरोपियों को धर पकड़ा है, जिसमें से एक आरोपी नाबालिग है। इसी शख्स को एक्टर को जान से मारने का टास्क सौंपा गया था। खबरों के मुताबिक इस मामले में पुलिस की ओर से अपडेट दिया गया है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सलमान खान के मर्डर करने का जिम्मा इसी नाबालिग के साथ दीपक और मोनू नाम के व्यक्तियों को सौंपा था। पुलिस पूछताछ में इस नाबालिग ने ही खुलासा किया कि लॉरेंस बिश्नोई ने उसे दीपक और मोनू को सलमान खान के मारने की जिम्मेदारी दी थी। ये नाबालिग उत्तर प्रदेश के फैजाबाद का रहने वाला है। वही हत्या के लिए इन्हें हथियार भी दिए गए थे, जिसे लेकर वो एक्टर के घर में घुसे भी थे, लेकिन इस घटना को अंजाम नहीं दे पाए थे। पुलिस ने इन आरोपियों को गुजरात के जामनगर से पकड़ा था और इन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट करने वाले लोकल नेटवर्क का भी पता लगाया है। बता दें कि इस समय सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई की रडार पर है। अब तक उन्हें दो बार मारने की कोशिश की जा चुकी है। सलमान खान को उनके पनवेल के फार्म हाउस के पास मारने की साजिश रची जा रही थी, जिसके लिए वहां रेकी भी की गई थी। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद किसी ने जून के महीने में सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को लेटर लिखकर जान से मारने की धमकी दी थी। 5 जून को सलमान के पिता सलीम को एक खत मिला था, जिसमें उन्हें और सलमान को जान से मारने की धमकी दी गई। लेटर में लिखा था, मूसेवाला जैसा हाल कर दूंगा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अभिनेता के कत्ल करने का प्लान बनाया था। लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान की हत्या करके 1998 के काले हिरण के शिकार का बदला लेना चाहता था। इस मामले में सलमान ने अपने और परिवार की सुरक्षा के लिए मुंबई कमिश्नर से भी मुलाकात की थी, जिसके बाद कदम उठाते हुए पुलिस ने एक्टर को 24 घंटे सुरक्षा मुहैया करवाई। साथ ही सलमान को बंदूक रखने के लिए लाइसेंस भी दिया गया था। आलम यह है कि सलमान खान निजी जिंदगी में अब अकेले कहीं नहीं आते जाते हैं, पुलिस के साए में ही वो लगातार रहने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।